जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज की ये वीडियो होने वाली है उन टीचर्स के लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल जिनकी क्लास में शैतान बच्चों की भरमार है और उन्हें समझ में नहीं आता यार इन बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे सुझाव आप में से ही टीचर्स ने मुझे दिए हैं जो मुझे A1 लगे हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो सुझाव मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, जहाँ पर हम क्लास के वो नटखट चुलबुले से बच्चे जो हमेशा आपकी नाक में दब करके रखते हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके लिए आपसे एक निवेदन पहले से है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं चैनल को आगे लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ये भूल जाते हो और वीडियो को लाइक करने में तो इतनी कंजूसी करते हो यार समझ में नहीं आता। वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुँचाइए, तभी जो हमारी ये टीचिंग कम्युनिटी है ना एकदम क्या बोलने वाली थी चीटिंग कम्युनिटी सबसे बेस्ट और सबसे उम्दा प्रोफेशन है टीचर्स का हमारा, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम टीचर्स हैं और हमें हमारी इस कम्युनिटी को ना एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा बनाना है कि आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ रिफॉर्म्स इस मतलब टीचिंग प्रोफेशन में लाने हैं, कोई बदलाव सरकार तक अपनी बात, तो इस प्लेटफॉर्म से तो एटलीस्ट हम सरकार तक अपनी सही और सटीक बात जो है वो पहुंचा पाएंगे अपने शिक्षकों के हित के लिए। तो फिलहाल बात करते हैं कि भाई अगर हमारी क्लास में शैतान बच्चे हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक नुस्खे के ऊपर काम करना है कि जो सबसे ज़्यादा शैतान है उसे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दीजिए। ये नुस्खा तमाम आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है कि भैया जहाँ आपने उसे जिम्मेदारी दी, आपने उसके हाथ में कहते हैं चोर के हाथ में चाबियों का गुच्छा देकर देखो डरता है फिर वो चोरियाँ करने से, ऐसे ही जब आप उस बच्चे के हाथ में रिस्पांसिबिलिटीज़ दे देते हैं तो उस पर एक गुड वैल्यू का लेवल लग जाता है और जो उसका मतलब एक बॉडी हारमोन्स होते हैं वो इस तरीके से सिगरेट करना शुरू कर देते हैं कि अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। देखिए उसके बिहेवियर चेंजेस एक दिन में नहीं हो सकते, शैतान है, उछल कूद करता है या फिर बच्चा चोरी करता है, चीज़ें दौड़ता है, इधर उधर क्लास के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, वो चीज़ एक दिन में चेंज नहीं हो सकती। आपने सोचा कि ले मैम ने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, दैट्स इट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके छोड़ दीजिए, अब बच्चा तो एकदम A1 हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसको टाइम टाइम पे पैम्परिंग करनी होगी, आप उसकी 1 वीक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। जितने भी ऐसे बच्चों को आपने ड्यूटीज़ अलॉट की हैं, सबसे पहली बात कि आप उनका ड्यूटी चार्ट बना दीजिए और क्लास के ब्लैक बोर्ड की साइड पे लगा दीजिए। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर कोई भी इनमें से पूर्ति नहीं होती है किसी ड्यूटी की, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं आपको बोलूँगी, ठीक है, बाकी किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है। हाँ अगर कुछ बच्चा कर रहा है तो आप वो मुझे बताएंगे। अब ऐसे नहीं कहते हैं बच्चे सारा दिन पर शिकायतें करते रहते हैं, नो, उसको बताने के लिए भी आपको मुझे रिटर्न में जो है वो लिख के देना होगा कि मैम इस बच्चे ने ये किया है। जहाँ रिटर्न पर लिखने की बात आ जाती है आप उस बच्चों को भी लग जाता है कि पूरी एप्लीकेशन लिख के देनी है, तो कई बार उस बच्चे को वो एक्सक्यूज़ भी करता है, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है और खुद जो है मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ये चीज़ छोटे बच्चों पे भी काम करती है और बड़े बच्चों के ऊपर भी काम करती है। ड्यूटी चार्ट हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहाँ क्लास के सभी बच्चों को वो विजिबल हो, उस बच्चे को भी वो विजिबल हो कि किस किस को क्या क्या ड्यूटी मिली है। छोटी छोटी ड्यूटीज़ बनाकर आप क्लास के ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, जैसे नेल्स चेक करने की, जैसे कॉपियों पे कवर है या नहीं है वो चेक करने की, जैसे अभी जितने बच्चे हैं होमवर्क करके लाए हैं नहीं लाए हैं, किसका होमवर्क चेक हो गया है किसका होमवर्क नहीं हुआ है उसको करने की, मतलब बहुत छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कहीं ना कहीं टीचर के काम को आसान बना देगी और बच्चों में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें मोटिवेट कर देगी। दूसरी कमी हमारे अंदर एज अ टीचर क्या होती है, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या नॉर्मल किसी के सामने हम कुछ ऐसे शैतान बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो हम लोग तमाम कमियां गिना देते हैं, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और ख़त्म ही नहीं होते कि आपका बच्चा तो ऐसा है, नकारा है, सुनता नहीं है क्लास में, एक जगह बैठता नहीं है, जब देखो जब शैतानी करता रहता है, दूसरों को मारता रहता है, दूसरों की चीज़ें फेंकता रहता है, इसके बैग में से ये निकाल लेता है, दूसरों का लंच खा जाता है, मतलब सांस नहीं लेते हो भाई एज अ टीचर उसकी शिकायतें आप बताने में,
ऐसे मतलब रेल छोड़ जाती है आपकी। बट वही बचा कि अरे यार कुछ बचा ही क्या, मतलब मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर मैं अच्छा करा क्यों है। ये वाली स्ट्रैटेजी बच्चे के अंदर बैठ जाती है, पेरेंट्स भी उसकी बुराई करते हैं, आप भी उसकी बुराई करते हैं, तो किसके लिए वो अच्छा बने और किसके लिए वो अच्छा करे। तो हमें जो काम करना है इसी साइकोलॉजी पर करना है कि भाई आपका बच्चा वाकई में बहुत कमाल है, बहुत ही ज़्यादा होनहार है, बस कुछ कमियां हैं, अगर ये सुधार लेना तो ये स्कूल के टॉप रैंकर्स में आ जाएगा, ट्यूशन की सबसे होनहार बच्चों में आ जाएगा। इस तरीके से आप जब बच्चे को कहेंगे ना तो बच्चे को लगेगा कि यार जूता भी पड़ गया पर अपना नहीं पड़ा, पड़ोसी का पड़ा है, यानी कि मैम ने तो बुराई तो करी है बट यार मैम ने तारीफ करी मेरी, मैम ने कहा बस ये चीज़ें सुधार लूँ ना तो मैं मतलब A1 बच्चा बन जाऊँगा। और आप उससे कह भी सकते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये बच्चा, आप स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते हैं, आप समझते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है उतने घंटे पढ़ाना, एंड दैट्स इट। वो जो ड्यूटी की वजह से आपका और उनका एक इमोशनल एक कनेक्शन बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से ये गैप रह जाता है कि आपके बच्चे इज्जत नहीं करते हैं या आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो इस जो गैप है, जो इमोशनल गैप आप लोगों के बीच में है, इसको फिल करिए। उस बच्चे को सीधा बोलिए मेरा बच्चा, मारने का अधिकार, मेरा डांटने का अधिकार, कूटने का अधिकार, समझाने का अधिकार, प्यार करने का अधिकार, ये सब मेरे पास है जितने घंटे मेरा बच्चा मेरे पास स्कूल या ट्यूशन में है। डेफिनेटली आप डांट दीजिए, आप कुछ कह दीजिए, कोई सलाह दे दीजिए, बच्चे को भी ये लगता है कि अपने हक से बोल रहे हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि शिक्षक अपना बच्चा समझता है तो अपना हक जता रहा है। बस इतना सा काम कर दीजिए, किसी पर विश्वास दिखा दीजिए अपना उस बच्चे पर, और वो विश्वास के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजीज, जो टीचिंग स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करिए, उनके अंदर कुछ नए जो ट्रिक्स हैं वो जोड़िए। आप मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी तमाम वीडियोस हैं जहाँ लाइव क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखिए कि किस तरीके से आप क्लास में, ग्राउंड में एक्टिविटीज़ करा के खुद से बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में तो इतना ज्ञान जो है वो पर्याप्त है, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना यार, मतलब आपको वीडियो पसंद आ गई है, तो बस अब आप इस वीडियो को तमाम क्रांतिकारी और ऐसे शिक्षकों तक पहुँचा दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत लगती हो आपको। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना क्योंकि तभी तो मिलेंगी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।